नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे अब आ चुके हैं, लेकिन कल का जो T20 भरे अंदाज में बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने शुरू हुए, काफी रोचक रहे। एक तरफ जहां T20 का मुकाबला फाइनल चल रहा था दिल्ली और मुंबई के बीच, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में भी महागठबंधन और NDA के बीच फाइनल मुकाबला कुछ इसी अंदाज में चल रहा था। लेकिन इस दौरान कुछ सीटें ऐसी भी रहीं, बिहार के 243 विधानसभा सीटों में से अगर कुछ सीटों की हम बात कर लें तो वहां बहुत ही कम मार्जिन से जीत और हार हुई, और इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं, ये बताने जा रहे हैं कि वो कौन सी सीटें थी जहां पर काफी कम अंतर से जीत और हार हुई है। बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रही है। NDA गठबंधन को 125 सीटें मिली हैं, जबकि महागठबंधन को 110 सीटों से संतोष करना पड़ा है। बिहार में इस बार दोनों गठबंधन के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। एग्जिट पोल में राजनीतिक पंडितों ने तेजस्वी यादव को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बताया था, लेकिन मंगलवार को जब गिनती शुरू हुई तो पासा पलट गया। NDA ने एक बार फिर से बाजी मार ली, लेकिन इस बार के चुनावी नतीजे किसी क्रिकेट मैच की तरह थे, जहां हर पल नतीजे बदल रहे थे। कभी नीतीश का पलड़ा भारी तो कभी तेजस्वी का वार, कई सीटों पर तो देर रात तक जोरदार टक्कर चलती रही। लिहाजा 6 सीटों पर 500 से कम वोटों के अंतर से विजेता का फैसला हुआ। कई नेताओं ने तो बड़ी जीत दर्ज की, लेकिन कई सीटों पर उम्मीदवारों की सांसें अटक गई। आखिरी लम्हों पर जीत का फैसला हुआ, और इसी बात पर हम चलते हैं उन सीटों का जिक्र करने जहां से बेहद कम मार्जिन से जीत और हार का फैसला हुआ है। सबसे पहली बात हम करेंगे हिलसा विधानसभा सीट की। यहां पर 12 वोटों से जीत का फैसला इस बार बिहार के सबसे दिलचस्प मुकाबला हिलसा की सीट पर देखने को मिला। आपको बता दें कि यहां पर राउंड के बाद बाजी पलट गई, जहां से RJD के अत्री मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव और JDU के कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिला। आखिरकार जब फैसला आया तो बाजी प्रेम मुखिया के पक्ष में गई, उन्हें 12 वोटों से जीत मिल गई। दूसरे विधानसभा सीट की बात करें तो बरबीघा का नाम आता है। बिहार के शेखपुरा जिले के बरबीघा में भी इस बार जदयू और कांग्रेस के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। गिनती के दौरान भारी उतार चढ़ाव के बीच आखिरकार जदयू के सुदर्शन कुमार को सिर्फ 113 वोटों से जीत मिल गई। सुदर्शन के खाते में कुल 39,878 वोट आए, जबकि दूसरे नंबर पर रहने वाले गजानंद शाही को 39,765 वोट मिले। मटिहानी की बात कर लें तो मटिहानी विधानसभा सीट पर भी रोचक मुकाबला देखने को मिला। यहां मैदान में जदयू के नरेंद्र कुमार सिंह और CPI के राजकुमार सिंह थे। कांटे के इस मुकाबले में बाजी राजकुमार सिंह ने मारी, उन्हें 61,364 वोट मिले, जबकि नरेंद्र कुमार सिर्फ 33 वोटों से पिछड़ गए। भोरे विधानसभा सीट बिहार के जिले के भोजपुर क्षेत्र में है। यहां टक्कर थी जनता दल यूनाइटेड के सुनील कुमार और CPI के जितेंद्र पासवान के बीच। सुनील कुमार को 74,067 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रहने वाले पासवान को 73,605 वोटों से संतोष करना पड़ा। डिहरी विधानसभा सीट बिहार के जिले के भोजपुर क्षेत्र में आती है। यहां राजद के फतेह बहादुर सिंह को सिर्फ 464 वोटों से जीत मिली। दूसरे नंबर पर BJP के सत्यनारायण सिंह रहे। फतेह बहादुर को 64,567 वोट मिले, जबकि BJP के उम्मीदवार को 64,103 वोट मिले। अब बात करेंगे बछवाड़ा विधानसभा सीट की, तो यहां पर भी सिर्फ 484 वोटों से जीत का फैसला हुआ। BJP के सुरेंद्र मेहता को यहां जीत मिली, उनके खाते में कुल 54,738 वोट आए, जबकि दूसरे नंबर पर CPI के आदेश कुमार राय थे, उन्हें कुल 54,254 वोट मिले। तो इस तरह से बिहार विधानसभा के इन नतीजों को देखकर लगता है कि काफी रोचक मुकाबला रहा, और इन 6 सीटों की बात जो हमने आपसे की, इन 6 सीटों पर तो बेहद ही कम अंतर से जीत हार हुई है। बरबीघा की अगर बात कर लेते हैं तो इतने कम मार्जिन से जीत और हार शायद पहले कभी नहीं हुआ होगा, लेकिन इस बार हुआ है। और बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि जब नतीजे आते हैं तो इतने कम अंतर से जीत और हार का फैसला होता है। काफी रोचक मुकाबला रहा। अब बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है, अब नीतीश कुमार की सरकार एक बार फिर से बननी तय हो गई है। और जैसा कि हमने आपको अपने पहले वीडियो में दिखाया कि पटना की सड़कें अब पोस्टरों से पट चुकी हैं और फिर से नीतीश सरकार की जय जयकार होने लगी है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ, हम आपको पल पल के अपडेट देते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।